एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य जी ने हमें कॉल किया है मथुरा से। आदित्य जी स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें आप। हेलो जी, सवाल करें। मैम हमारे दादाजी हैं, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी, तो उसके लिए पूछना था 3 साल से। दादा की एज बता दीजिए और कब से तकलीफ है? दादाजी की एज है 80। बहुत मुबारक आपके दादा, आपकी आशीर्वाद के लिए अभी तक सलामत हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, ये बहुत कीमती होते हैं, इनकी ऐसे ही सेवा किया करिए। और देखिए ये दर्द जा सकता है, 2 तरीके हैं, एक तो आप दवा खुद बना लें और एक दवा का नाम भी बता देता हूँ मैं। दवा खुद बनाने के लिए आपको असली गौंस्या लेना होगा। गौंस्या नकली बहुत मिलता है, ये जायके में कड़वा होता है, रंग में काला होता है, इसे काला गौंद भी कहते हैं या गौंस्या कहते हैं। और सिर्फ 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, आधा आधा ग्राम दादाजी को बगैर चर्बी के दूध से नाश्ते और रात को खाने के बाद खिलाया करें। ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपके दादाजी का रोग मुक्त होना मुमकिन है। दवा के तौर पर चाहिए तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दे सकते हैं इसी तरह, लेकिन आपको दादा को फायदा होना मुमकिन है। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, दिशा जी ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। दिशा जी सवाल करें। हकीम जी नाल चल रहे ना लाइव जी, उन्होंने गल करनी है। बिल्कुल हकीम साहब सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए सवाल। अच्छा अच्छा जी, आदाब। अच्छा बताइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बलगम है जी हमारे को, बलगम का बारे में पूछना है। अच्छा कितनी आयु है आपकी? उनका सुरखा बोलते हैं ना, अच्छी तरह से पूछते हैं। ठीक है ठीक है। देखिए बलगम है तो जैतून का सिरका आपके काम नहीं आएगा, ये ठंडा होता है, और जिनको बलगम बनता है वो ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उन्हें गर्म चीज़ लेनी चाहिए। एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, दवा भी बता देता हूँ नुस्खा भी बता देता हूँ, जो आपको चाहिए वो खुद बना लें या मार्केट से ले लें। देखिए लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, 30 ग्राम पीपलें जो आपके किचन में गर्म मसालों में पाई जाती हैं वो 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच रोज़ाना या 2 बार भी खा सकते हैं, शाम को भी गर्म पानी से लिया करें, आपको ठीक होना मुमकिन है। इसमें इस वक्त ज़रूरत है आप जैसे लोगों को या हर आदमी को जो स्वस्थ भी है उसको भी, इम्यूनिटी की पावर की दवा जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे, तो माजून आर केयर भी आप ले सकते हैं सुबह शाम 1-1 चम्मच, आप स्वस्थ जिंदगी गुजार सकते हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेलंगाना से हमें कॉल किया है जब्बार साहब ने। जी सवाल करें आप। जी जी जब्बार भाई, वाले सलाम, जीते रहिए जब्बार भाई, बताइए क्या सवाल है। सर मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, तकरीबन 7 साल से जी, 8 साल से मेरा जो घुटने से लेके नीचे पैर तक मेरे पैर जो है एकदम मोटा और लाल हो जाता और एकदम गर्म हो जाता और उसमें झुंझुगा थी मैंने जलता पैर पिछले 7 साल से, और शुगर और बीपी मेरी नॉर्मल है। ठीक है जब्बार भाई, काफ़ी तकलीफ उठा ली आपने, मैं आपको बताता हूँ एक दवा और एक घरेलू नुस्खा जो आपको आसान हो कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे के तौर पर गौंस्या खरीदें और 100-200 ग्राम अगर मिल जाए, असली लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है, इसको पाउडर बनाएं और 2 चुटकी सुबह, ये चुटकी है ना, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम नाश्ते और खाने के बाद इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात हो, रही से तो जूस से भी ले सकते हैं भाई, और ये असली मिले तो ले, नहीं तो फिर आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं सुबह शाम 1-1 टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लिया करें,
बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से आपको फायदा होना मुमकिन है। और एक और दर्शक हैं हरियाणा से, निशा जी हमें कॉल कर रही हैं। निशा जी स्वागत है, क्या प्रश्न करना चाहती हैं आप? जी मैडम, मुझे ना 3 साल पहले मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके निशान और जहाँ पे वो एक छाला उठता था और वो जहाँ छाला जैसे ही फोड़ते थे तो उसमें से पानी निकलता था। अब जो उसका निशान रह गया है वहां से, जहाँ छाला होता था वहां से स्किन बहुत पतली हो गई है और वो निशान रह गए हैं, कुछ ब्लैक निशान है, कुछ स्किन के वो पतली हो गई है उसके हैं जी, तो वो जा ही नहीं रहे हैं जी। ठीक है, अलसी लीजिए 500 ग्राम। अलसी तो सभी जानते हैं तकरीबन, नहीं तो आजकल जानकारी नहीं भी हो तो फ़ोन में हमने सर्च किया सामने अलसी आ जाती है। ये खटमल जैसी होती है, खटमल की शक्ल की, खटमल के रंग की, तिलहन में से एक है और खटमल की ही शक्ल की होती है ये अलसी। 500 ग्राम लेके भून लें हल्का सा और पाउडर बना लें और इसमें आपको मिलाना है 100 ग्राम नमक जैतून। जैतून का एक रसायन आता है जिसको नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं और इसको एस्टेक जैतून वैज्ञानिक जबान में कहते हैं, एस्टेक जैतून का। इसमें 100 ग्राम मिला लें और पाउडर मिक्स कर लें और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं और पानी से लें, आपको फायदा मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, मैम वो सांस के बारे में बात करनी थी। सांस बोलता है, कुछ काम करते हैं तो बिल्कुल। नाम बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? रंजीत, यूपी। जी सवाल पूछें। उम्र कितनी है? उम्र 60 साल। रंजीत साहब अपने दिल का ख्याल रखें और ये उम्र 45 से 60 साल की बड़ी ख्याल रखने वाली उम्र है और यहाँ पर हर शख्स को इस वक्त में हमारे खून की चर्बी इस कदर बढ़ जाती है कि हमारे हार्ट के नसों को ब्लॉक करने लगती है। जैसे कोई नाली होती है बर्तन धोते धोते ब्लॉक होने लगती है, ऐसी खून की नालियाँ इस वक्त में हर आदमी की ब्लॉक हो रही है, चाहे उसे पता हो या ना हो। जिसका सांस फूलने लगता है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। आप इसकी चाहें तो जांच करा लें और अगर नहीं कराना चाहें तो एक नुस्खा बड़ा कारगर है आपकी और हमारी उम्र के लोगों को, अगर निरोगी भी हों तो लेना चाहिए। मैं हर घर में इस नुस्खे को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस उम्र में दिल का दौरा पड़ता है, दिमाग का अटैक आता है, ये बहुत परेशानी, उसमें आदमी बेड पर पड़ जाता है, कोई ख्याल नहीं करता, औलादें इतनी अच्छी नहीं हैं और गरीब गुरबत बहुत है, गरीबी बहुत है, आदमी जेवर बेच कर इलाज कराता है, घर बेच के कर्जा लेके करता है। तो देखिए नींबू का रस निकालिए 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और 1 लीटर नींबू, अदरक और लहसुन का रस 1 लीटर और जैतून का सिरका 1 लीटर, बाहर से लेना पड़ेगा जैतून का सिरका, इसको मिक्स कर दें और 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश से, केवल जी ने हमें कॉल किया है। केवल जी स्वागत है, क्या परेशानी है आपके साथ? देखिए मैम, हेलो जी, नमस्ते जी। अपने सर्माइकल का थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे डिस्क है और गैस एसिडिटी की भी है जी, गैस भी है, चाहते हैं जी कोई मेडिसिन। गैस सर्वाइकल है, गैस भी है, काफी परेशान है। तो देखो बेटा मेरी तरह ऐसे बैठे हैं, अभी बैठ जाए, जैसे मैं करता रहूं ऐसे करते रहिए, कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो बाद में याद नहीं रहा तो मुश्किल होगी। सर्वाइकल के लिए एक अच्छा इलाज एक एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये कान आप अपने मोढ़े से मिलाया करें, दिन में 2-3 मिनट ये करना है पूरे दिन में, और ऐसे
ऐसे पूरी तरह मोड़ दे, ऐसे ही है, दो तीन मिनट ये करना है, तो एक एक मिनट करके तीन मिनट कर ले, ऐसे आपको छः मिनट एक्सरसाइज करनी है। दसवें दिन सर्वाइकल आप ढूंढेंगे कि कहाँ गया आपका, ठीक है। अब गैस के लिए अगर बहुत परेशानी है तो बड़ा कामयाब नुस्खा हमने देखा कि भी जो मेथी है आपके घर के किचन में, मेथी का दाना, तो ये 500 ग्राम अगर ली जाए, और जैतून का नमक 100 ग्राम अगर मिल जाए, अच्छा ये रसायन होता है जैतून का, नमक भी कहते हैं इसे, जैतून का रसायन भी कहते हैं और एस्टेक जैतून भी कहते हैं, इसको आप इसके साथ पाउडर बना लें मेथी के साथ, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लिया करें। तो देखिए आपको लगेगा ऐसा कि आप फौरन ठीक हो गए एक दो दिन में, लेकिन आप इसे खाते रहें जब तक पूरा ख़त्म ना कर लें, क्योंकि ये फिर आपकी बीमारी को वापस नहीं आने देता। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। अम्बाला से हमें कॉल किया है स्वर्ण कौर जी ने। स्वर्ण जी बताइए क्या परेशानी है आपके साथ। नमस्कार सर जी। आदाब सर जी। मेरी सास है जो, उसको सांस की बहुत प्रॉब्लम है। जी जी बोलिए, पूरी बात बोले। जी जी। उनको शुगर भी है, सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, उनको खांसी होती है, वो ठीक ही नहीं होती है, दवाई भी करवाई उन्होंने मगर फर्क नहीं पड़ रहा हूं। जी ठीक है। हाँ, दमे के लिए एक दवा अच्छी है और वो आप खुद बनाएं। देखिए एक दवा है जिसे हम लिसोड़ा कहते हैं, लिसोड़ा आप लिख लीजिए, लिसोड़ा लिसोड़ा उन्नाव अलसी और पीपले। लिसोड़ा उन्नाव और अलसी 100-100 ग्राम लेना है, और पीपले 30 ग्राम, जो आपके किचन में के गरम मसालों में एक लंबी लंबी 1-1.5 इंच की पाई जाती हैं, वो पीपले हैं, आपकी सासू माँ ज़रूर जानती होंगी, अगर आपको नहीं पता तो। इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खिलाया करिए, मुझे उम्मीद है इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और शुगर भी है, अगर चाहें तो आप जैतून का सिरका 3 चम्मच रात को पानी में डाल के उन्हें यूज़ कराया करें, ये शुगर वालों के लिए एक तोहफा है, बहुत फायदा होगा उनको। राजधानी दिल्ली से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, कृष्णा जी हमें कॉल कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कृष्णा जी स्वागत है कार्यक्रम में, क्या परेशानी है आपके साथ। हमें से बात करनी है। जी हकीम साहब सुन पा रहे हैं आपको। जी आदाब साहब बताइए। जी आदाब। जी हाँ, हमको ये प्रॉब्लम है, मेरी आँख जो है ना, आँख में ड्राइनेस हो जाती है। जी अब मैं बहुत परेशान हूँ आपसे, करीब ये 1 साल हो गया, मैं बहुत दवाई करा ली लेकिन मेरे आँख के ड्राइनेस खत्म नहीं हो रही है। उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 54 साल। 54 साल। हाँ देखिए एक बड़ा आसान नुस्खा है आँखों की कई परेशानियों के लिए, आँखों की कमजोरी के लिए, ड्राइनेस के लिए, रोशनी के लिए, और बहुत से विटामिन ए है इसमें, और दिमाग के लिए भी है। और वो है कि आप गाजर जब मैसर हो आपको, मार्केट में गाजर तो ज़्यादातर रहती है, आज भी है, और एक गिलास गाजर का जूस और उसमें 0.5 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, गौंद मोरिंगा आता है, इसे सहजन का गौंद भी कहते हैं, सफ़ेद वाला गौंद मोरिंगा सफ़ेद 0.5 ग्राम लें, और इसको गाजर के जूस में मिला के रोज पी लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। वाजिद अली साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और किस तरह की परेशानी पेश आ रही है आपके सामने? हेलो जी सवाल करें। दाद का प्रॉब्लम है हमारा मुझे। दाद गैस आप जाफ का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम, और मोशन साफ नहीं होता। अच्छा मोशन साफ नहीं होता। जी हाँ,
देखिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो फिर एक ही नुस्खा है जो बेहतर काम करता है। मैं जिससे भी शेयर करता हूँ उसको बड़ा फ़ायदा होता है, फीडबैक आते हैं बहुत अच्छे, और वो है मेथी को आप ले लें 500 ग्राम, इसको पाउडर बनाएं, बहुत बारीक ना करें, थोड़ा सा मोटा ही रहने दें, जैसे सूजी होती है आटे की तरह ना करें या मैदे की तरह, इसको पाउडर बनाएं, और एक नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं इसे, ये देखने में नमक जैसा होता है, खाने में नमकीन नहीं होता, जैतून का रसायन भी से कहते हैं, जैतून का एस्टेक इंग्लिश में कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, तो ये 100 ग्राम 500 ग्राम मेथी में मिलाकर पाउडर बनाएं, एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं पानी के साथ, और आपको ऐसा लगेगा आपको फौरन फ़ायदा हो गया 2-4 दिन में, लेकिन आपको ये खाते रहना है, जब ठीक हो जाएं तो एक ही खुराक लिया करें, और लेकिन लंबे टाइम तक खाएं ताकि आपके पेट के तमाम मामलात ठीक हो सकें।